उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, डुबा 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 रंग डुबा डुबा। तुम ही हो अब तुम ही। अब ये था, ये हम दिखाना चाह रहे थे कि डर में गा सकते हैं। यानी तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। देखो जिस जुल्फ ने पे साया किया सबसे पहले तो उसे ही हम जाके सर पे उस तरह चला देंगे। अच्छा नहीं गाया। फेंक दे। अबे नहीं करो भाई, चलियो। अब देखो देखो क्या करता हूं। क्या करें, थोड़ा मजाक हो गया, अब देखो मैं क्या करता। जरा बात सुन मेरी, जरा बात सुन, अब भड़ा हुआ बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूँ मेहरान। और मैं हूँ ज़ैन। और तकरीबन आज मेरा ख्याल है एक साल से ऊपर हो गया कि हम सिंगिंग ऑडिशन का पार्ट टू कर रहे हैं। एक साल से अब हो गया टाइम तकरीबन। और ये ऑडिशन का प्रोसेस हम इस तरह करते हैं, हम एक वेबसाइट में रैंडम नाम से एक ऐड डाल देते हैं कि हमें कुछ सिंगर्स की ज़रूरत है, तो उससे फिर लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, उसमें से हम कुछ लड़कों को यहाँ पर अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और उनके साथ करते हैं एक सिंगिंग ऑडिशन का प्रैंक। प्रैंक क्या होगा आप आगे देखिएगा, प्रैंक के बारे में आप बताएं कैसा बना है। प्रैंक बहुत अच्छा बना है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीच में अगर फनी सीन आपने मिस कर दिए तो कोई फायदा नहीं, वीडियो देखने का मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, जितने ज्यादा लाइक होंगे, लाइक रेशो अगर अच्छा हुआ तो इसका पार्ट 3 हम लोग एक हफ्ते के बाद बना देंगे। और कमेंट करके बताएगी आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जरूर, और वीडियो को एक सेकंड भी आपने स्किप नहीं करना। जैसा कि भाई ने बताया ऐसे ऐसे बीच में सीन्स आ जाते हैं ना जो बड़े मजे के होते हैं, फिर वो स्किप करने की वजह से मिस हो जाते हैं, तो मेरे लिए पूरा देखिएगा। और लाइक रेशो अच्छा हुआ तो भाई ने कह दिया एक हफ्ते में आएगा तो एक हफ्ते में आएगा, अगर लाइक रेशो हमें लगा कि बहुत अच्छा है तो हम आपसे मिलेंगे वीडियो के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Who is this? वालेकुम। हमने बोला अंदर आने को, आपने नॉक किया, मैंने कहा हु इज दिस, ये तो नहीं बोला कि अंदर आओ, इंग्लिश नहीं आती। अंदर आने का, अंदर आने को बोलेंगे कम इन, कम इन बोला no. नहीं बोला ना, हु इज दिस बोला, दोबारा जाओ नॉक करो। हु इज दिस, हु इज वकार, कम इन। अच्छा अच्छा, अब वालेकुम अस्सलाम, अब मिलो। तो क्या करना चाहिए चाहते हो आप जिंदगी में? कुछ बड़ा करना चाहते हो। कुछ बड़ा क्या करना चाहते हो? अफ्रीका भेज दें आपको, वहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपने टैलेंट से कुछ बड़ा करना है। अपने टैलेंट से, टैलेंट क्या है आप में? कॉमेडी थोड़ा। ये वुड फ्लोरिंग देख रहे हो जी। इसको जबान से चाट के चमका सकते हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ ये वाली टैलेंट है आप में? जी है। पहले तो आप बैठ जाओ। कम इन। कैसा खुलते हैं? कम इन, जल्दी आओ। कैसे आओ सर, सब कुछ बंदे? जल्दी आओ, जल्दी आओ। पागल हो गए? दरवाजा खुल नहीं रहा था ना, दरवाजा तोड़ेगा अपना ब्लैक सुंडी। खड़ा, एक बात बता, तेरे को बैठने का बोला किसी ने तो क्यों बैठा? सर कुर्सी किस लिए रखी थी? कुर्सी तुम्हारे लिए रखी है, वो बदतमीजी थी। तो तुम्हें किसने ऐसा कहा था कि ऑडिशन हम बैठ के दे लेते हैं लोगों का? पूरे ऑडिशन में अब तू खड़ा होगा। सही सर। कुर्सी कुर्सी हटा, कुर्सी कुर्सी हटा। हाँ, मैनर्स होती है ना, पहले तमीज सीखो फिर किसी ऑडिशन में आगे जाना, खड़े होके देना पड़ेगा भी पूरा ऑडिशन। यार असाम इतना देर क्यों लगाते, लड़के तो बहुत सारे बैठे, भेजता क्यों नहीं अंदर? क्यों, क्या करते रहते सर? हाँ, कौन? सामा। कौन? सामा। हाँ, क्या कह रहे हैं फिर? वो ऑडिशन का बोला था। गेट क्यों खोला? वाले सलाम, गेट क्यों खोला? हमने बोला था आने के लिए। बाहर से बात करो, हम देख रहे हैं आपसे बात। ऑडिशन का बोला था आपने? गेट से ऑडिशन सिंगिंग, फिर आ गया था, देखा था, फिर अंदर आ गया तू, बाहर से, बाहर से। ओके सॉरी बोल रहे, अंदर बुला ले। कम इन, कम इन, वेलकम। वालेकुम सलाम, हमारी सुहागरात है।
दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा क्यों बंद किया? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? वो भी ऑडिशन देने आया, तुमको कोई मसला है? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कैमरे में देख के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है, मेरे को बहुत शौक है सिंगिंग करने का। मुझे मौका मिला तो मैं कैसे, अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ ऑडिशन देने आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन था, हमने आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन का नहीं बोला, इंट्रोडक्शन, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये इंट्रोडक्शन में ये सब आता है। बोलो दोबारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है, मेरा अपनी शॉप है ऐसी फ्रिज रिपेयरिंग की, वो टैलेंट। तो जाके फ्रिज व्रिज बनाओ ना, इधर के आम लेने आए हो। कुछ और भी करना है ना, कुछ और करना है, ठीक है। क्या करवाएं इससे? क्या कर सकते हो? जो आप बोले ऑडिशन के लिए, हम गाना, कॉमेडी, थोड़ी बहुत बीच पे वाइपर लगा सकते हैं। मुश्किल है, कोशिश कर लूंगा। समंदर का पानी आगे नहीं आना चाहिए, पीछे जाए, पीछे। इतना बड़ा वाइपर तो नहीं है, छोटे वाइपर से कर लो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लगा दूंगा। अच्छा, जहाँ पे पानी, आप एक कश्ती में हो, सफर कर रहे हो, बीच में कश्ती खराब हो जाए, उसको उतर के धक्का लगा सकते हो? मैं डूब जाऊंगा पहले तो। तो ये क्यों बोल रहे हो कि सब कुछ कर सकता हूँ? सब कुछ नहीं हुआ ना फिर ये। जो कर सकता हूँ हिम्मत तो करूँ। अच्छा मेरे को बताओ कि अभी तुम गाना गाने आए हो ना, जी जी। तो ऐसे बोलो ना, गाना गाऊंगा, सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे वो दूसरे वाले शौक है क्या? नहीं नहीं, नहीं है ना दूसरे वाले शौक, गाना गाओ फिर। अब मुझे बताओ कि तुम अगर सिलेक्ट हो जाते हो, सिर्फ अपना गाना गाओगे या साथ में म्यूजिक वीडियो में भी खुद फीचर होना चाहोगे? मुंह नहीं है ना वैसा। क्या करोगे? नहीं, हमें जो म्यूजिक वीडियो में एक्टर चाहिए वो गोरा चाहिए। फॉर्मूले बहुत है, एक हफ्ते में अभी भी यूज करके आया हो ना? हाँ, देखा रहा है तो ऐसे ही सुबह से खड़े हैं मट्टी। नहीं नहीं, आपके गर्दन और फेस का दोनों का कलर अलग अलग है, हाथों का भी, हाथ अलग है, दांत अलग है। डस्ट तो गाड़ी में आ जाते हैं, डस्ट ही तो। हाँ माइक लगवा दो, माइक संभाल के रख, लगा माइक। चलो कैमरे में देख के गाना गाओ, और ये स्माइल दोबारा हुई मैं निकाल लूंगा तुमको बाहर। सीरियस काम चल रहा है, हम लोग यहाँ मजाक नहीं कर रहे। सीरियस, ठीक है। हम लोग यहाँ मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है कितने बड़े म्यूजिक वीडियो की शूट है, ये उसके लिए हमें सिंगर और मॉडल चाहिए। गलती होगा, अपनी होगा। शुरू करें? नहीं, अगले सारा पूछो, जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। ऐसा जो आपने ऐड देख के आप आए हो वहाँ, जी जी, ऐसा कहीं लिखा था हमें मेल डिंचक पूजा की जरूरत है? नहीं लिखा था ना, तो तुम क्यों आए? हमें सिंगर चाहिए, फटावा ढोल नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम सिंगर हो? थोड़ा थोड़ा। बाथरूम सिंगर? तुम्हें किसने, बाथरूम वाले इससे अच्छा गाते हैं, तुम्हें ऐसा किसने कहा है कि यार तुम सिंगर हो? मेरे खुद ने कहा है कि मैं सिंगर हूं। मेरे खुद ने, आपके खुद ने आपको बोल दिया सिंगर हो? मुझे फील होता है कि मैं सिंगर हूं। वो आपको गलत फील होता है, अपनी फीलिंग्स को राइट वे पे ले जाओ। अभी आपने पता है क्या किया? क्या किया आपने? सजा दी देखने वालों को, जितने ऑडियंस हैं उनको सजा दी आपने। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, आई वॉन्ट टू माई बेबी, मुझे दे दे लव दोस। इसका वो पार्ट मुझे सुनना है। रगद मनु जीवे अंबर रांधी कोई, इसके बाद जो वो नहीं बोलते, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं सर, इसकी प्रैक्टिस नहीं थी दो। तो तेरे को जब बोला खुद से गा, तू बोला तुम लोग बताओ, हम बताया, तू बोलता है प्रैक्टिस नहीं हुई, तू मजाक कर रहा है। तो सर आप इतने हार्ड सॉन्ग दे रहे हैं मेरे को, तो खुद से गा ना। तू इजी ले लेना भाई, तेरे को तब तो बोला इजी ले ले। दिल दिया गला करा दे नाल नाल बैठे, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गला। सर गाने का जिसे कहते हैं ना, अभी कुछ गलत अल्फाज में नहीं कह सकता, फैमिली ऑडियंस है हमारी। ये आती मेला, ये क्या था? अगर आती वस्तम सुनते ना, जिसने गाया है ना, वो मेला में भी एक सुर है मेला के। तू, तेरे को किसने बोला तू सिंगर है? तेरे को किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया?
पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, तेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुझको भरूं। तुम्हारे गाना ठीक था लेकिन मसला पता है क्या था? ऐसा लग रहा था तुमको कब्ज है। ये कब्ज की अलामत थी सर। गला खराब है ना थे सर, टाइम इतने उसके बाद पचास। अबे गला क्या खराब है, बहाने नहीं, कब्ज की शिकायत है। नो तो गाने में लग रहा था ऐसा सर। वो चलो मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ो, गला फाड़ो अपना। जो ख्वाबो ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां कहीं कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। देखो जिस जुल्फ ने आप पे साया किया सबसे पहले तो उसे हम जाके सर पे उस तरह चला देंगे। अच्छा नहीं गाया अभी भी पूछ रहे हैं, रिलीफ मांगा अभी भी पूछ रहे हैं यार, इसकी बेगैरती को सलाम है। आप एक चीज, ये कोई मुसलसल बेगैरत है। आप मुसलसल बेइज्जत हो सकते हो, ये टैलेंट है आप में यार। आपको लगता है आपने अच्छा गाया? बहुत अच्छा गाया सर। एक आप इनको दिखा दें यार। इनको दिखा क्या दूं, इसको खुद भी पता है अच्छा नहीं गाता। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, हो चांदनी जब तक रात देता हर कोई साथ तुम। हो गया बस करवा दे। अभी तेरे को पता है मसला क्या था? ऐसा लग रहा था तू नशे में। नो सर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, सब फीलिंग्स के साथ तुम देना साथ मेरा ओ हम ना। ये सो के गा रहे हो। फीलिंग सोने में आती है अभी तो लगे ताल से ताल मिलने चाहिए। ये और कुमार सानू की आवाज में एक मजा है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थोड़ा ऐसे नाक से गाता है कुमार सानू। खैर क्योंकि तू बाकियों से थोड़ा बेहतर है तो तेरे को हम एक और चांस देना चाहेंगे। सोनू निगम का कोई गाना आता है? अबे गाना गा ले, धरती के बोझ गा ले गाना। तू जब पैदा हुआ होगा तेरे माँ बाप भी परेशान हो गए होंगे, क्या हो गया हमारे घर पे, तू इतना सा तो हुआ होगा यार। जिंदगी का यार तू गाना देखे दफा कराया। अरे तो कोई भी गा ले ना मेरा भाई। तू पैदा हुआ होगा तो ऐसा लगा होगा कि बेड पे कॉकरोच पड़ा हुआ है, नर्स ने तेरे को हटाया होगा, कॉकरोच कॉकरोच। तो फिर बागियों ने बोला होगा he is our son, he is not cockroach। मैं सही बात कर रहा हूँ यार। अच्छा तेरे को न्यू सॉन्ग चाहिए? चल अरिजीत सिंह का गाना। अरिजीत सिंह ने बहुत सारे गाए अब तो कौन सा? अच्छा तो उसका गा तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रहने चल अभी चल चल मैं चाहता हूँ तेरे को। हाँ चलो चलो ताकि मैं अपने जो सबसे बेड सिंगर को दिखा सकूं तुमसे बेड कोई है उसको दिलासा देगी। हाँ। कोई अगर बुरा गाए ना तो टेंशन नहीं ले, तुमसे की तेरे से भी बुरा तू। अरे को खुद वायरल हो जाएगा बुखार, खुद वायरस हुआ है फिलहाल। कौन सा था? गला फाड़। चल कौन सा था? भूल गया ना। तुम ही हो, थोड़ा सा बताइएगा। अबे क्या क्वेश्चन पेपर है कि हम लोग इसको सवाल जवाब याद करवा रहे, थोड़ा सा बताएंगे। थोड़ा सा अब तूने नहीं गाया, ऑन सीरियस बता रहा हूँ, उधर बैठ जा तू। तुम भी
तुम ही हो। नहीं नहीं, तो डिस्टर्ब पे बोलेगा कि वो पीछे था सर, कॉन्फिडेंस लेवल तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, मर मर। तुम ही हो अब तुम ही। ये था, ये हम दिखाना चाह रहे थे कि डर में गा सकते हैं यानी जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा मर्ज भी, मेरा मर्द भी तुम्हारे को मर्ज, मर्ज सर, तुम्हारे को हस्बैंड चाहिए, मर्ज मर्ज सर मर्ज। तो वो बोलता है मेरा दर्द, वो नहीं बोलता मर्ज। मेरा दर्द भी, मेरा मर्ज भी, मेरी आशिकी अब तुम ही, मेरा पति भी। सही है, तो आगे ये बोल मेरा सब कुछ। सही है, सब कुछ का मतलब समझता है ना, सब कुछ समझ। हाँ समझ गया, आगे का चल। मेरा मर्द भी चल, आ जा मेरा शौहर भी चल सर, गाने चेंज, मेरा बॉयफ्रेंड भी, चलो गाने चेंज कर दे। हाँ चलो दूसरा गा लो, मगर कौन सा गाना। सब बातें छोड़, मुझे एक बात बता, अच्छी चीज़ को ऊपर रखते हैं या नीचे रखते हैं? अच्छी जो खूबसूरत चीज़ हो उसको जमीन पे फेंका जाता है, ऊपर अच्छी जगह सजा सर, संभाल के रखा, संभाल के रखा जाता है। तो मुंह नीचे रख, जूते ऊपर रख सर, मुंह में ही जूते। हाँ वो तो तुम्हारा है, चलो वन करने का आ रहा है, चलो चलो आ रहा है, कुछ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो बाथरूम है। नहीं नहीं, हाँ चलो वन टू थ्री स्टार्ट। उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, डुबा 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 रंग डुबा डुबा। सही है, खड़े हुए ना, वेरी गुड वेरी गुड। वो खोलो खोलो सर, नहीं हुआ, खोलो दरवाजा तो खोलो। हाँ दफा हो जाओ सर, आ जा आ जा इधर बैठ जा भाई। देख, ऑन अ सीरियस नोट जी, तूने तीन गाने गाए, एंड में डांस भी किया। अगर हमारे आगे वाले जजेस को लगा कि तू एंटरटेनिंग है तो तेरे को कॉल करके बुला लेंगे। तूने वेबसाइट पे अपना बायोडाटा भर दिया, तेरा नंबर वगैरह सारा हमारे पास है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक, खुश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको कॉल आए, दुआ करना। फिलहाल आप जो है ऑडिशन की फीस इसके बाद जमा करा दो, 10,000 रुपये सर। फ्री फ्री, व्हाट इज फ्री? ऑडिशन की फीस कहाँ है, कहीं नहीं लिखा वेबसाइट पे, लिखा नहीं है, हम बताते हैं। तो सर जब लोग आपको मेंट करना चाहिए ना, तो यहाँ फिर कोई इतने फारिक लोग बैठे हैं जो आप जैसी बसुरी बेसुरी आवाज को सुनने के लिए बैठे रहे। बदसूरत तो चेहरा, बेसुरी आवाज, दोनों का कॉम्बिनेशन देखो सर। फ्री देख के मैं आया यहाँ पर ऑडिशन देने। सुनो मेरी बात, फ्री कौन देता है? 2,50,000 रुपए का कैमरा लगा है, सही है, 65,000 रुपए का माइक तुझे लगा हुआ है, इस ऑफिस पे तकरीबन 35,00,000 रुपए लगे हुए हैं, तो ये सब तुझे क्या लगता है कि हम फ्री में तेरे को प्रोवाइड करें? और जो म्यूजिक वीडियो शूट होगी 1.5 करोड़ रुपए की होगी, बुर्ज खलीफा के छत पे बनेगी वो वीडियो, उस पे मॉडल और सिंगर एक ही बंदे को मिलेगा, ये सब फ्री में होगा? मैं तो फ्री देख के आस, फ्री देख के आया ना, फ्री नहीं है। अब फ्री देख, और तेरा अभी आधे घंटे का ऑडिशन हमने लिया, आधा आधे घंटे से ज्यादा हो गया, कुत्ते की तरह बैठा हुआ हमारे साथ, हमारे 50 रुपए से टेबलेट्स में लग जाएंगे। और ऊपर से मेमोरी कार्ड में इतना स्पेस तेरे लिए आ गया, वो क्या करें उसका? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो तुम यहाँ भाई, वो पैसे नहीं है, मोबाइल रखवा के जाओ, ऑडिशन के पैसे तुमको देने पड़ेंगे। क्यों देना पड़ेंगे? क्योंकि वरना ही अपने तरीके से निकाल। आप मेंशन करते हैं ना, क्या मेंशन करते कि फीस है ऑडिशन की? मैं बोल रहा हूं ना, मेंशन कर दिया था कि ऐसे जो अपने ऐसे घटिया आवाज वाले लोग आके गाएं, किया था मेंशन ये। भाई जो सेलेक्ट होगा, गाने आया था ना आपको अच्छा नहीं लगा ना, मैं तो गाने आया था। हम लोग तो खाली, हमारा काम ऑडिशन आगे देना है। नर्वस हुआ हूँ मैं थोड़ा, हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हमें ऑडिशन आगे पहुँचाना है, सिलेक्शन की मर्जी उनकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, फीस ले लेना इनसे। हैं क्या है, हैं क्या है, क्या बोले आपने सर? फीस ऑडिशन की 10,000 रुपीस जी, हम आपको पे करेंगे 10,000 रुपीस। मैं क्यों दूंगा? क्यों दोगे? नहीं ये तो कोई है ही नहीं, ये तो ऑडिशन में भी नहीं थी तुम्हारी, ये हमने सुनी। अच्छा चलता हूँ दुआओं में यार, वो तो हम जो बेसुरी आवाज तुम्हारे सुन रहे, वो मेरे उसमें एंड में जो चिल्लाया था, फिर उसको अपनी कब्जियत याद आ गई, मेरे संदूकों में, फिर कब्जियत याद आ गई, वो सब हमने सुन जी। ठीक है, हमने तुम्हारा सारा ये शिट बर्दाश्त किया,
तो उसके पैसे कोई फीस नहीं होती है। मैं फर्स्ट टाइम थोड़ी आया हूँ, मैं तो पहले भी कहीं गया हूँ, वहाँ कहीं फीस नहीं। पहले सिलेक्ट हुए हो कहीं पे जिंदगी में? हाँ, घंटा अल्हम्दुलिल्लाह कितने हुए हैं। जहाँ हुए वो तुम्हारे जैसे ही लेवल के होंगे फिर। नो सर, क्या भेरों की पार्टी के सिलेक्ट हुए थे? इंडियन आइडियल हो गया, पाकिस्तान आइडियल हो गया, कितने उसमें आइडियल की लाइन में तुम्हें खड़े होने दें। और सर क्या बात कर रहे हो, मार के निकाल देते लाइन से। टैलेंट होना चाहिए इंसान में। तुम्हारे अगर ख्वाब में भी तुम इंडियन आइडल पहुंच जाना, वहाँ भी तुम्हें जूते मार के भगाएंगे। नो सर, इतना भी नहीं, पाकिस्तानी है हम। पाकिस्तानी हो अच्छी बात है, हम भी पाकिस्तानी हैं। और ये म्यूजिक वीडियो बन ही पाकिस्तान के लिए रहा है, इसकी शूट होगी दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर। उठो सर, एक गाना हो। उठो उठो, नहीं हो गया सर, मेरे को आता है। हमारे में और ताकत नहीं, मेरे को आता है। तुमको कुछ भी नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे को आता है, कुछ भी नहीं आता। तुम उठो, आप चलो 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 उठो, नहीं तो सुप्लेक्स, नहीं तो सुप्लेक्स दे दूंगा तेरे को। इससे फीस ले और उसको घर कर, 10,000 रुपए फीस ले, उसको जाने दे। गाना कैसे गाते? ऑडिशन का 10,000 फीस है, वो जमा कर, दफा हो। आगे हमारे बड़े जजेस देखेंगे, वो उनको अगर समझ में आता। ऑडिशन नहीं, ऑडिशन फीस। अक्षय ने इतना हमको बोल किया, इतना तूने हमारी जान खाई। सर गाने पसंद नहीं आपको? बहुत पसंद आया सर। हाथ हटा के बात करते हैं। हाथ हटा देते हैं। किस बात की, किस बात की? चल मोबाइल में तूने क्या देखा मुझे बता। सर निकाल 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 निकाल, बता नहीं सकते। बता नहीं, दिखा। प्राइवेट चीजें होती है। अच्छा दिखा बे, प्राइवेट चीजें होती है मोबाइल में सर। निकाला नहीं निकाला? 10,000 रुपए दे। नहीं तो फिर क्या ले ले, ले घड़ी ले ले, दफा कर उसको। घड़ी उसी ने दी। मैं बस सुन मेरा जैकेट फट जाएगा। सुन ले, इधर बैठ, इधर बैठ, बता रहे बैठ, बता रहे बैठ, बता रहे। ये क्या तरीका आप लोगों का? सुनो मेरी बात, अपना बर्फानी रीच सुन ले। मजाक कर रहे थे, कोई ऑडिशन नहीं था ये। हम ऑडिशन नहीं लेते हैं, प्रैंक्स करते हैं। कैमरा प्रैंक का लगा हुआ, ऑडिशन का नहीं। अब समझ गए अब समझा। फेंक दे, अबे नहीं करो भाई, चलियो। मजाक कर रहे थे मेरी जान, प्रैंक कर रहे थे तेरे साथ। प्रैंक कर रहे थे, इधर आओ ना, प्रैंक कर रहे थे। इधर आओ मेरी जान प्लीज। अब हम लोग सिंगिंग ऑडिशन नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बताओ। मैं हम लोग वैसे ही डरे हुए रहते हैं जिंदगी में। हम कर रहे थे आपके साथ मजाक, कसम ये कोई मजाक होता है? उठा के फेंक लो आप। फेंका कहाँ यार, अपनी ताकत से उठाया। मेरा जैकेट देख थोड़ा सा फट गया, नया मैंने लिया। सुनो कसम से मजाक कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं, नहीं। मजाक कर रहे हैं ना, मान जाना यार, प्लीज सॉरी यार। मैं बताऊंगा बाद में। अगला बंदा सुबह से ख्वार हो रहा है लाइन में, तो फिर आप आ रहे हो यहाँ पे, बदतमीजी कर रहे हो आप मेरे साथ। पैसे दे देते हो कुछ? नहीं, पैसों की बात ही नहीं है मेरे पास। मैं पैसों के लिए आया हूँ यहाँ। पैसे देखा? मैं किस लिए आया, चल बता। ऑडिशन, सिंगर बनने, ऑडिशन तेरा हो गया। मेरी बात सुनो प्यार से। हमारे फेसबुक पे हैं 1.4 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पे हैं 700 के सब्सक्राइबर्स। ये सारे लोग जब तेरी वीडियो देखेंगे ना, जो कोई भी ऐसा होगा जिसको तुझे सिंगिंग का काम देना होगा ना, वो तेरे को खुद मैसेज कर लेगा। तू अपनी इंस्टा आईडी बता दे, उससे तेरा काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ इंस्टा आईडी बता दो। चलो एस खान 964। स्पेलिंग बता। ASKHAN964 इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे कोई लड़की अगर तेरे से मिलना चाहे वो भी आ सकती है। वो तो पहली फुर्सत में आ जाए। वो खैर आएगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अगर लड़की को आना हो तो mehran.hashmi94 पे पहले आ जाएगी। जहाँ उसका दिल करेगा वहीं आ जाएगी। ठीक चले, मगर प्लीज सर अब तमीज से जाने तो नहीं कम से कम। अरे यार, तो तेरे को इतना बड़ा काम कर दिया और दिल से सॉरी भी बोल दिया। हाथ मिला, चल कैमरे में हाथ मिला के जा खुशी खुशी। थैंक यू, माफ किया दिल से। अब तो नहीं कुछ करेगा, ऑफिस तो नहीं बंद करवाएगा पक्का? और बाहर जितने लोग बैठे हैं वो कुछ भी नहीं बताना, बोलना तेरी सिलेक्शन हो गई तो खुश होके जा बाहर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।